हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और आज मैं आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगा और ये सब सालों साल चलेगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं दो ऐसे टेक्निक्स, माइक्रोफोन टेक्निक्स बताऊंगा जो आमतौर पे डिस्कस भी नहीं किए जाते। गोगी ऑडियो, द मेकर्स ऑफ द हैमर माइक्रोफोन। सो दोस्तों, पहली बात, जब भी आप माइक्रोफोन यूज करो, पॉप फिल्टर जरूर यूज करो। चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, आपको जितना मर्जी बोले, पॉप फिल्टर जरूर यूज करो, और ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला हाई फ्रिक्वेंसीज को कम कर देता है। वैसे ही एक अच्छा पॉप फिल्टर लेना बहुत जरूरी है। इस पे दोनों साइड में फैब्रिक है और ये वॉशेबल भी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कभी ना कभी इसको धोना जरूर पड़ेगा। माइक्रोफोन जो कैप्सूल होता है, जो कि आपके माइक्रोफोन के अंदर होता है, वो एक बहुत ही थिन, बहुत ही हल्का माइलार से, जिसके ऊपर के सोने की परख चढ़ी होती है, वो ऐसे है नज़र आता है। अब ये माइलार इसलिए थिन और लाइट बनाया जाता है, हल्का बनाया जाता है, सो दैट वो हाई फ्रीक्वेंसीज को अच्छी तरह रिकॉर्ड कर सके। अब होता क्या है, अगर आप पॉप फिल्टर ना यूज करो तो आपका सलाइवा इसके ऊपर चिपक जाता है और वो डस्ट को कलेक्ट करेगा, तो ये भारी हो जाएगा। भारी होने से हाई फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब आपने नया एक माइक्रोफोन लेते हैं, उसका रिस्पांस अच्छा आता है। जैसे जैसे इयर्स, अगर आप ये पॉप फिल्टर ना यूज करें तो उसका रिस्पांस कम हो जाता है। अगर तो आपने कभी ऐसा किया है और आप चाहते हो कि उसको क्लीन करवा लो, तो मेरे पास आप भेज दीजिएगा, मैं उसको साफ करके बिल्कुल नया जैसा फिर से बना दूंगा। दूसरी बात, माइक्रोफोन को जब भी आप यूज करो तो आप एक बैग में जरूर उसके एयर टाइट बैग, जैसे ये है, जैसे ये बैग है, उसके अंदर डाल दीजिए और एक दो सिलिका, जैसे ये है, वो उसके अंदर ज़रूर डाल दीजिए। ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है और ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है मार्केट में। ये अबाउट 100 रुपया किलो के हिसाब से शायद मिल जाएगा। और बंद कर दीजिए इसे। आपको माइक्रोफोन को ड्राई रखना है सदा। यू विल नॉट बिलीव, मुझे हंसी भी आ रही है, कई लोग आते हैं मेरे पास माइक्रोफोन अपना लेके और मैं उनको सिर्फ ड्राई करता हूं और वापस कर देता हूं। यू विल नॉट बिलीव, दिस इज द ट्रूथ। और मैंने आज शायद आपको एक अपनी सीक्रेट बता दी। वेरी क्लेवर, बहुत ही मजेदार चीज बताऊंगा आज आपको। ये स्पीकर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसको हम लोग एज अ माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से किक ड्रम के ऊपर ये सबसे बेस्ट माइक्रोफोन बनता है। अब आप ऑसिलोस्कोप में देखिए, जैसे ही मैं इसके अंदर बोलूंगा, वहां पे आपको वेव्स नजर आएंगी। हेलो हेलो, वो देखिए बहुत ज्यादा है वो, पहले मैं रिड्यूस इट। हेलो हेलो, और देखिए, isn't that amazing? Of course, इसको डायरेक्ट लगाना नहीं चाहिए क्योंकि इम्पीडेंस मैच नहीं हो नहीं पाएगा। तो इसके साथ एक छोटा सा एक ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, दे आर फ्रेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, और वो आप लगाएंगे तो इसका 8 ओम का जो इम्पीडेंस है उसको आप कर देगा 200 ओम्स, तो फिर आपका ये माइक्रोफोन बन जाएगा। And on the kick, man, this is the best microphone. Believe me. चलिए दूसरा माइक्रोफोन देखते हैं। मेरे हाथ में अब एक प्लेट है, ordinary प्लेट, और एक मेरा omnidirectional माइक्रोफोन है। अगर मैं इसको बिल्कुल पास में लगा दूं, बिल्कुल लगाऊंगा नहीं, टच नहीं करूंगा, पर बिल्कुल पास में ऐसे लगा दूंगा, तो ये मेरा एक बाउंड्री माइक्रोफोन बन जाएगा।
बाउंड्री माइक्रोफोन बहुत कामयाब चीज है कॉन्फ्रेंस हॉल्स में. इंस्टेड ऑफ यू दैट गूज नेक, इट इज बेटर कि आप ये यूज कीजिए. बट आज का जो मेरा अनयूजुअल टिप है वो ये है, अगर आपके पास डायनामिक माइक्रोफोन है जैसे ये है और इसका कार्डियोइड पैटर्न होता है, आपको पता है, तो दैट मींस इसका रिजेक्शन पीछे से है. अगर आप इस प्लेट को लेके, अब प्लेट फ्लैट होना चाहिए, आप ग्लास भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप किक ड्रम यूज कर रहे हैं, किक ड्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जमीन पे रख दीजिए अबाउट 6-7 फुट की दूरी में, और इसको आप यूं लगा दीजिए. अब क्या होगा, ये पीछे से तो रिजेक्ट करेगा बट आगे से ले लेगा, और नीचे से लेगा नहीं बिकॉज ये प्लेट है. तो सबसे सुंदर एम्बियंट, रूम एम्बियंस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा. एंड बिलीव मी, इतना सुंदर रिकॉर्डिंग मिलेगा कि आप रूम माइक्रोफोन सदा ऐसा ही करोगे. आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऑडियो इंजीनियरिंग जो कि असली इंजीनियरिंग है वो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पास आइए. ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे है. थैंक यू सो वेरी मच.